2018 आसिफ शेख शुरू के बजट के ऊपर मैं मेरा मत मानने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य के अंदर आई और केंद्र में आई तो उन्होंने सबका साथ सबको विकास का नारा देकर सत्ता के ऊपर आए। जो महाराष्ट्र का बजट पेश किया गया तो उस बजट में इस राज्य के अंदर माइनॉरिटी अल्पसंख्या की जो लोकसंख्या है 15 से 20% लोकसंख्या इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। अल्पसंख्या विभाग का जो बजट 350 करोड़ रुपया ही बजट 2018 के बजट के अंदर रखा गया अल्पसंख्या के लिए। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्या विभाग के अंदर अलग अलग महामंडल अलग अलग कॉरपोरेशन आती है। आर्थिक विकास महामंडल के अंदर वो पैसा जाएगा उर्दू एकेडमी, अल्पसंख्या आयोग, राज्य की हज कमेटी, ऐसे सभी विभाग को मिलाकर कुल और मूलभूत सुविधा के लिए ये सब मिलाकर ये 350 करोड़ रुपया मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी समाज के लिए ये नाइंसाफी वाला बजट ये पेश किया गया है। कम से कम 1000 करोड़ रुपया बजट अल्पसंख्या विभाग को देना चाहिए और उसी के साथ साथ 1000 करोड़ रुपये के साथ साथ में हमको ऐसा लगा था कि यह बजट के अंदर जो जो मुस्लिम पॉपुलेशन के शहर है महाराष्ट्र के अंदर वहां पर कोई बड़ी घोषणा होगी, वहां पर ITI कॉलेज माइनॉरिटी की होगी या माइनॉरिटी के उर्दू घर होंगे जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, या पॉलिटेक्निक माइनॉरिटी से होगी, या वहां पर हर जिले के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पर बड़े शहर है वहां पर हज कमेटी का स्थापना होगी। ऐसे अनेक हमको अपेक्षा थी कि जब बजट पेश होगा तो माइनॉरिटी को विशेष ध्यान दिया जाएगा और विशेष बजट की तरतूद की जाएगी, लेकिन ऐसा ये बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। और आज आवश्यकता है, जरूरी है कि मुस्लिम समाज के अंदर माइनॉरिटी के अंदर जो लोगों का आज एजुकेशन नहीं है, जितना एजुकेशन फंड विद्यार्थी को लगता है स्टूडेंट को लगता है वो फंड आज कम पड़ रहा है। जो लोगों को आर्थिक विकास महामंडल से मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल से जो उनको रोजगार के लिए पैसा लगता है वो मैं समझता हूँ कम है। जो उर्दू एकेडमी के लिए जो कार्यक्रम होना चाहिए उर्दू के माध्यम से उसके अंदर आज पैसा नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन के अंदर जो पैसा आज होना चाहिए वो पैसा वहां पर कम पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर जो पैसा लगता है माइनॉरिटी समाज को प्रगति करने के लिए, विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो पैसा 350 करोड़ रुपया बहुत कम है, 1000 करोड़ रुपया करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विशेष मैं अर्थमंत्री से चाहूंगा कि आपके माध्यम से अर्थमंत्री से एक मेरी विशेष विनंती है कि अभी महाराष्ट्र राज्य के अंदर मुंबई हो या मुमरा हो या उल्लासनगर हो या मालेगांव हो या महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग कब्रस्तान के विषय बहुत गंभीर चल रहे हैं, कई आंदोलन चल रहे हैं, मुंबई के अंदर भी चल रहा है, मीरा रोड के अंदर भी चल रहा है, उल्लासनगर में भी, मुमरा में भी, ऐसे कई राज्य के अंदर कब्रस्तान की जमीन के लिए आंदोलन चल रहे हैं, चाहे नगर पालिका हो चाहे महानगर पालिका के माध्यम से। लेकिन वो जो महानगर पालिका या नगर पालिका होती है उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो जमीन एक्वायर कर ले कब्रस्तान के लिए, जो डेवलपमेंट प्लान के अंदर रिक्वायर होती है, आरक्षण होती है, वो जगह एक्वायर करने के लिए पर पैसा नहीं होता है। अगर आप विशेष उसके ऊपर अगर ध्यान देंगे कि जो महानगर पालिका को कब्रस्तान की जमीन खरीदने के लिए कम से कम अगर आप नगर विकास के माध्यम से ही अगर नगर पालिका या महानगर पालिका को पैसा देंगे तो जो प्रश्न चल रहा है, जो आंदोलन हो रहे हैं, कम से कम वो जगह एक्वायर महानगर पालिका और नगर पालिका कर लेगी तो बड़े कब्रस्तान जो आज आवश्यकता है बड़े बड़े शहरों के अंदर, मैं समझता हूँ कि उसका एक मसला हल हो सकता है। मैं आपसे विनंती करता कि आप उसको जरूर बजट के अंदर पैसा बढ़ा कर देंगे। एक आखिरी विनंती मैं करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि जिस तरीके से महाराष्ट्र राज्य के अंदर
अलग अलग डिपार हमारे हमारे शासन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे वो महसूल डिपार्टमेंट हो, चाहे नगर विकास का महानगर पालिका का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आरोग्य का हो, तो विभागीय लेवल के ऊपर एक डिप्टी डायरेक्टर का, एक विभागीय आयुक्त कार्यालय के अंदर डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, चाहे टाउन प्लानिंग का हो, चाहे महसूल का हो, और शासन को अगर स्कीम अगर फॉलोअप करना रहती है राज्य भर के अंदर, तो वो डिपार्टमेंट अपने डिप्टी डायरेक्टर को बोलते हैं, वहां से रिपोर्टर उसका फॉलोअप कर लेते। लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ मंत्रालय के अंदर बैठते हैं, और कलेक्टर एक क्लर्क को नियुक्त कर देता है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो स्कीम चलाने के लिए बोलता है, तो वो नहीं हो सकता है। इसके लिए तालुका स्तर के ऊपर एक तहसीलदार की अल्पसंख्यक विभाग की स्कीम के लिए एक अलग नियुक्त करे, और उसी तरीके से डिवीजन लेवल के ऊपर डायरेक्टर नियुक्त करे, और इसी तरीके से ये स्कीम मुस्लिम समाज तक, अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचे। इसके लिए मैं विनंती करता हूँ, डिमांड भी आप मंजूर करेंगे। इतना ही बोलते हुए मेरी बात यही खत्म करता हूँ।